क्या आप मुझे देख पा रहे हो? जी बन गए हमारे भटके डुबके काफी अच्छे। बाहर बहुत ठंड है, बाहर घाम लगा है। वहाँ से लेके आए थे फूल तो हम अपने गमलों में सजाने के लिए। नमस्कार मित्रों, सबको मेरा प्रणाम। मैं हिमा जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल राजधिकारी ब्लॉग में। सो आज की शुरुआत हो चुकी है, लो सभी सूर्य देव जी को नमन कर लो। मेरी शक्ल आप लोगों को दिख रही है नहीं दिख रही है आई डोंट नो, क्योंकि धूप की वजह से मुझे भी नहीं दिख रही है। अभी मिस्टर जी तैयार हो चुके हैं, कल भी मिस्टर जी ड्यूटी के वक्त, क्योंकि कभी इनका टाइम होता है ना सुबह 7 बजे ही चले जाना और कभी आज थोड़ा 8:30 बजे जा रहे हैं, तो कल और आज थोड़ा हमें आराम मिला जल्दीबाजी में। मेरा इतना जल्दी आता, सुबह सुबह के काम भाई साहब इतने हो जाते हैं ना, सभी रिलेट करते होंगे। सुबह उसी वक्त नहाओ, फिर पोछा झाड़ू, उसके बाद नाश्ता बनाने की तैयारी, उतर सब्जी वब्जी काटो फटाट, बहुत काम हो जाते हैं सुबह तो बहुत ज़्यादा। तो अब मिस्टर जी, अब अभी तक हमारी दो धनों एक साथ खड़ी हैं, अब एक ही रहेगी। कल हम शुक्र बाजार गए थे, काफ़ी ज़्यादा मस्ती करी। वो भी क्या, अब जाड़ों के दिन आ गए हैं तो जाड़ों के हिसाब से कपड़े वगैरह सब लाने थे तो ला चुके हैं। अब करते हैं अपने दिन की शुरुआत मिस्टर जी को विदा करके ऑफिस को। शाम को उनको फिर आएंगे, शाम को फिर उनसे दोबारा मुलाकात होगी। अब मिस्टर जी को हम बाय बाय करते हैं, फिर आपको दिन में कुछ मिलते हैं। और बीच में मेरे ब्लॉग नहीं आए थे तो मुझे कमेंट आया था, उसके लिए मैं ये कह रही हूँ, क्योंकि मैं जो क्राफ्ट्स वगैरह बनाती हूँ, जो मैं वो मैक्रम का सामान बनाती हूँ ना, उसमें मैं थोड़ी बिजी हो जाती हूँ, मैं उसी में लगी रह जाती हूँ, मुझे उसे कम्प्लीट करना हो जाता है, तो इसलिए मैं कोई ब्लॉग नहीं बना पाती। मैं अपने रूम पर ही रहती हूँ, इसलिए उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी आप लोगों से। आप लोग मुझे, कुछ लोग कमेंट करते हैं मुझे बहुत लगता है कि ब्लॉग नहीं आ रहे हैं। वैसे तो हमारी फैमिली थोड़ी छोटी है, पर फिर भी जितने भी मुझे अपना प्यार देते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आ चुके हैं, इनको हम फटाफट से विदा करते हैं। फिर बाहर बहुत ठंड है, बाहर घाम लगा है, बाहर बहुत ठंड है और मैं ड्यूटी को जा रहा हूँ। कोई नहीं सुन रहा होगा, कोई कोई सब अपनी वॉल्यूम बढ़ा रहे होंगे कि क्या बोल रहे हैं। ये बोल रहे थे कि बाहर बहुत ठंड है और मैं ड्यूटी को जा रहा हूँ और मैं पूरा पैक होके जा रहा हूँ। और मैंने नाम का नहा लिया है पर मेरे बाल हाल सुबह नहा लिया 3 बजे, तो तुम्हें मंदिर जाना था भाई, हम 5 बजे नहा के बैठे हैं, बट काम तो हमने किया है ना। नहीं काम, काम मैंने नहीं किया, वो शूज वाले धोए उन्हीं को पहन के जा। सच में? हाँ। चमका दूँ आज वाले धो गए। जंगल जा जाके इन्होंने जितने जूते हैं ना सब ऐसे करके लाते हैं, और कपड़े भी ऐसे कर, रोज ये जैकेट इनको, इनके लिए जंगल के लिए हमने अलग कपड़े बना रखे हैं कि जो जंगल में जाएंगे उनके कपड़े अलग और घर के अलग। नहीं तो कपड़े, हाँ हाँ, मीन्स आपका कार्य क्षेत्र जंगल में ऑफिस, जंगल में ऑफिस। चमका दो बाइक को, टीका लगा लिया इधर देखो, एक स्माइल कर दो ही चीज। हाँ जूते आपके लिए चमका रखे, आप बढ़िया से जंगल में जाओ, जूते गंदे करके लाओ, बच्चे स्कूल से करके लाते हैं। हमारे मिस्टर जी का जाना, स्कूल जाना जैसे ही होता है, एक बैग लेके जाते हैं। सुबह नाश्ता 7 बजे नाश्ता किया, फिर स्कूल से उतर के ट्यूशन किया वाला हिसाब होता है, 5 बजे आना, और स्कूल के बच्चों की तरह, छोटे बच्चों की तरह अपने कपड़े अपने जूते सब गंदे करके लाना, और ये हेलमेट में मुंह बंद करके जाया करो। वो बंद ही रहता है। एक बार मैं पहनना इसको, ये छोटा है। क्या आप मुझे देख पा रहे हो? बिल्कुल देख रहे हो आप, बिल्कुल आराम से। बाय बाय, मैं ऑफिस जा रही हूँ। तुम बाकी घर का काम देख लेना। घर में खाना वाना बना लेना, और मिलते हैं शाम को, अपना ध्यान रखना। बेटा कहाँ बैठ रही है?
कहाँ बैठे, अगर हल्की से आगे चली गई ना ये। क्यों, वो तो रॉक होगी ना। अरे यार इतना बड़ा। अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे। चलो धन्नो, तुमने अभी शाम तक अकेले रहना है, कोई बात नहीं। ये देख रहे हो आप, राज्य अधिकारी है हम, अब जोशी हो गए। हाँ जी, चलो बाय बाय, हम जा रहे हैं, हम अपना काम करते हैं, आराम से जाना। ये देखो अब अंदर से तो सही आ रहा है। बाय 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 बाय। मिस्टर जी तो गए ड्यूटी को, हम अपनी ड्यूटी करते हैं, हम भी अंदर आते हैं। सो हम अंदर आ गए, ईचा की चल रही है पूजा, ईचा के बाद हम पूजा करेंगे, फिर सोचते हैं कि और क्या क्या काम होता है आज, फिर आपसे मिलते हैं दिन के शुरुआत के साथ। अभी श्री कृष्ण गोविंद चल रहा है, अभी पूजा चल रही है, इसका मतलब अभी ईचा की आरती नहीं हुई है। आज हमारे चावल के साथ बन रहा है, क्या बन रहा है आज, चावल के साथ बन रहा है डुबके। थोड़ी कंफ्यूज सी हो जाती हूँ कभी कभी तो। तो चावल के साथ बन रहे हैं डुबके, जिसके लिए हमें डुबके भिगा रखे हैं अभी, और आज मैंने भिगा रखी है मेहंदी भी, ये देखिए जी बिल्कुल। आज मैंने भिगा रखी मेहंदी सर में लगाने के लिए, अपने लिए और ईजा के लिए। अब हम ईजा को लगाएंगे, ईजा हमें लगाएंगे, फिर आज दिन में मैं आपको सरदारनी बन के दिखूंगी, बिल्कुल सर में लगा के मेहंदी, सरदारनी बन के। चलो मैं भी आपको मिलती हूँ थोड़े देर में, तब तक के लिए 5 मिनट 2 मिनट का इंतजार। आज बन रहे भटके डुबके, तो ये हमने थोड़े से भट लिए, इनमें हमने डाले चावल, चावल से थोड़ा अच्छे रहते हैं वो गाढ़े से, तो मिक्सी में, इसमें मैंने मिर्ची भी डाली हुई है हरी मिर्च काट के, तो इनको अब हम अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर देंगे, ताकि भटके डुबके अच्छे बन जाए। पिछली बार जब हमने भटके डुबके बनाए थे तो हमने सिलबट्टे में पीसे थे, इस बार मैंने कहा मिक्सी में पीस लेते हैं। ये देखिए भट और चावल मिक्स है इसमें, अब इनको मिक्सी में ग्राइंड कर देंगे। अच्छे से मैंने इनको ग्राइंड कर दिया है, अब बनेंगे पहाड़ी डुबके, पहाड़ियों की पसंद पहाड़ी डुबके, भटके डुबके। हमारी माता जी बनाने लग गई हैं भटके डुबके, हम सिंपल तरीके से भटके डुबके बना रहे हैं, जिसमें ना ज़्यादा तड़का ना कुछ, और फिर भी बहुत अच्छे डुबके। बोलते हैं ना ईजा लोग के हाथ में जादू होता है, जादू तो वही है, जादू हमारी ईजा उनके हाथ में हमेशा ही रहता है। सो बना रहे आज, इसमें डुबके में से मिक्स कर दिए हैं मसाले, हींग और जीरे का तड़का। तो जितना देर तक पके उतना अच्छा, उतना स्वाद देता है। लहसुन का पेस्ट भी डला हुआ है इसमें, दुबके में सबसे अच्छा लहसुन देते हैं, टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है लहसुन का पेस्ट। चलो दुबके की तैयारी हो गई, अब इसको हम 20 मिनट तक पकने देंगे, जितना दुबका भाड़ी इतना अच्छे से पकेंगे उतने अच्छे आपके दुबके बनेंगे।
अभी ये इतना पतला सा हो रहा है, अभी ये बहुत गाढ़ा सा हो जाएगा, बिल्कुल इसका ठीक बन जाता है काफ़ी अच्छा सा। अब आपको इसको बनने के बाद दिखाऊंगी। ये तो हो गई नाश्ते की तैयारी, मींस हमारे लंच की तैयारी, और साथ में हमारा नाश्ता चल रहा है घुटपट्टी के साथ। आपको पता है ना, हम सुबह कुछ ना कुछ खाने को चाहिए होता है, तो कभी चॉकलेट खाते हैं और कल हम ये घुटपट्टी लाए थे, तो आज हम घुटपट्टी खा रहे हैं। यही चल रहा है, आज घाम बहुत ज़्यादा तेज है, आज घाम इजा आज घाम लाग रहा ना, आज तेज घाम है रो बिहार बेटी। अब भो पोर हूँ हम नींबू सानुल, और अभी तक हमने झाड़ों का कोई नींबू साना नहीं है, तो अब हम नींबू सानेंगे अच्छे से, क्योंकि नींबू तो मेरा फेवरेट है भाई। नींबू या माल्टा आप लोग सान के नमक डाल के खाओ, कितना मज़ा आता है। माल्टा तो दो पीस कर लो वैसे ही वो कितना खाया जाता है, मैं तो खट्टा बहुत खाती हूँ। अब यहाँ पे माल्टा मुझे दिखे नहीं, तो हम नींबू ला रखे हैं। नींबू भी भाई साहब इतने महंगे, 40 रुपये किलो नींबू यार, 40 रुपये नींबू कौन देता है भाई। हमारे 10 रुपये का एक भी मिलता था, इतना बड़ा बड़ा सा काली काम है टानी खेत में, बट टानी खेत में होते थे ना, यहाँ पे तो लोग लाते होंगे, फिर भी यार बहुत महंगा था। पिछली बार तो मैं छोड़ आई थी, इस बार मैंने कहा मैं नहीं छोड़ूंगी, जाए नींबू तो हम खाएंगे चाहे महंगे हो कुछ हो, तो नींबू ले आए हैं। अब कल परसों को नींबू सानेंगे एक दिन, जैसी आज की धूप आई है ऐसी धूप तगड़ी आएगी, तो फिर नींबू सानेंगे। आंटी जी लोग सब बाहर निकले हैं, सब अपना काम वाम कर रहे हैं, कोई खेतों में गोबर डाल रहा है, कोई अपनी छत में कंबल हम्बल डाल रहे हैं, सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। मेरा तो दिन भर में ये होता है कि एक चक्कर बाहर धूप सेकती हूँ, एक चक्कर फिर अंदर बैठ जाती हूँ, फिर बाहर आती हूँ, फिर अंदर बैठती हूँ, यही चलता है, क्योंकि धूप भी चाहिए होती है मेरे को, और फिर धूप ज़्यादा लग जाता है, फिर ठंडा लगता है अंदर, फिर बाहर आती हूँ, ये सब चलता है। चलो अब नाश्ता करेंगे, नाश्ता लंच सब साथ में करेंगे, फिर दिन में क्या होता है वही सब करना है। बालों में काफ़ी टाइम बाद अब बालों में मेहंदी लगाएंगे, मेरे बाल तो कसम से झाड़ जैसे हो गए। कल हम वहाँ से लेके आए थे फूल, तो हम अपने गमलों में सजाने के लिए दो फूल और लेके आए हैं। इसी में रेड भी था वहाँ पे, तो हमने कहा येलो, तो ये मुझे येलो अच्छा लगा था, ये अच्छा लगा था, आपने कहा ये, तो तब अरे येलो कितना अच्छा लग रहा, वो खिलेगा सूर्यमुखी जैसा, फिर ले आएंगे अगली बार। और अच्छा होता है इसको, आप ऐसे इसका टुक्की तोड़ के भी थोड़ा बड़े होके लगा दोगे ना कहीं और, ये हो जाता है। हमने एक प्लांट वहाँ पे लगा दिया, एक प्लांट हमने यहाँ पे लगा दिया, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, मुझे खुद नहीं दिख रहा है। ये वाले ये लगा रखा है, एक प्लांट ये लगाया है, एक प्लांट उधर पे लगाया रेड वाला, और ये मैया हम थक गए। लो जी बन गए हमारे भटके डुबके काफ़ी अच्छे, आपने देखा इसका डुबके का कलर पूरा चेंज हो चुका है, और काफ़ी गाढ़े ये थिक हो जाते हैं पकने के बाद, और ये काफ़ी टाइम लेते हैं। अब ये हमारे फाइनली बन चुके हैं, थोड़ा और इसको देर तक पकाते हैं, उसके बाद हमारे खाने के लिए तैयार हैं। अब मैं काटती हूँ जल्दी से धनिया, धनिया डाल के इसमें डालेंगे धनिया बढ़िया से सिंपल वे में भटके डुब के, और चावल भी बन चुका है, सलाद ही जाने काट दिया है, हमारी बारी है धनिया काटने की। नमक होगा, नमक हाँ
कितना ही छोको, कितना ही मसाले डालो, कितना ही कुछ करो, नमक नहीं डालो तो कुछ नहीं होगा। सही बात है, ये सब काट रहे हो, आपको ये नमक का ध्यान कैसे आ सकता है? गाजर मूली के बिना हम रह सकते हैं? मोटे गाजर में ही ज्यादा आता है, तब पतले गाजर में सही आता है। सो अब मैं थोड़ा बार बार बना लिए है मैंने, मैं थोड़ी तैयार सी हो गई हूँ अपना नाश्ता करने के लिए। आप नाश्ता बोलो ऐसे लंच बोलो, क्योंकि नाश्ता प्लस लंच इक्वल टू झाड़ू का खाना हम कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें चावल और हमारा रोटी साथ में होता है। आपने जैसे कि देखा आज हमने भटके डुबके बनाए हैं, साथ में सलाद है हमारा और टपकी है सब्जी आलू की। सो अब मैं हम फटाफट से नाश्ता करते हैं, फिर मैं आपको मिलती हूँ नए ब्लॉग में नई वीडियो के साथ। सो प्लीज़ आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई है, ऑफकोर्स वीडियो पसंद आई होगी, सो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल में अगर आप न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। थैंक यू आप सभी का मेरे चैनल में आके मेरी वीडियो देखने के बाद। अगेन बोलूंगी थैंक यू फॉर वॉचिंग दादा अधिकारी ब्लॉग्स।